नमस्कार साथियों, जैसा कि ऑर्डर हो चुका है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मई का हमें टैप भरना ज़रूरी है। तो टैप भरने के लिए हमें इस बार ईमेल, आधार और मोबाइल का वेरिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। इनका वेरिफिकेशन किए बगैर हम टैप नहीं भर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इन तीनों का वेरिफिकेशन करने के लिए हमें अपने साला दर्पण का जो स्टाफ कॉर्नर है उसको ओपन करना है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड था यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन हो जाना है। तो चलिए साथियों, मैं अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद साथियों, आपके सामने साला दर्पण का कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर होम, स्माइल टू, प्रोफाइल, अप्लाई, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, डीएलएड एग्जाम, पीएसपी, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको टैप भरने के लिए सबसे पहले फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टैप का एक ऑप्शन आता है, और इस पर क्लिक करते हैं तो सब मेनू में आता है टैप टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21। तो इसको आपको ओपन करना है। जो ही साथियों हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ पेज इस तरीके से खुल गया था, जिसमें यहाँ पर व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, एम्प्लॉय आईडी, सब्जेक्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट 10 में भर रखी है वो यहाँ पर शो होगी। इसके अंदर साथ ही हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है, जिसमें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सूचना में निम्न विवरण से संबंधित कॉलम को देखें। रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन, इसमें दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, सही ओटीपी एंटर कर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपडेट करनी है। यहाँ पर पहले से आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी जो आपके प्रपत्र 10 में भरी हुई है वो यहाँ पर शो होंगी। तो इन सब के सामने रेड कलर में लिखा हुआ है आधार के सामने अन ऑथेंटिकेटेड, मोबाइल नंबर पर है नॉट वेरीफाइड और ईमेल आईडी पे भी नॉट वेरीफाइड। तो सबसे पहले आपको इन तीनों को टैप भरने से पहले इन तीनों को आपका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो चलिए साथियों, में पहले आधार का वेरिफिकेशन, पहले हमें आधार का वेरिफिकेशन करना है। आधार का वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि आधार में जो आपका नाम, आपकी जन्मतिथि जो भी है वो साला दर्पण के जो प्रपत्र 10 में जो भरी हुई है वो ही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी फर्क है दोनों में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर नाम में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है, तो ये ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं। मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो जय सत्य, हम ओके पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहां पर आ रहा आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्योंकि मेरे यहां पर नाम में थोड़ा सा करेक्शन है। मेरा सारा दर्पण पे जो नाम है उसमें स्पेस दिया गया है नाम में, और आधार में मेरा स्पेस नहीं, इसकी वजह से ये ऑथेंटिकेशन सही नहीं आ रहा। उसके बाद में हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। तो आप मोबाइल नंबर वेरीफाई, इसको वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाइड पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर डालना है। तो साथियों, मैं यहाँ पर ओटीपी डालता हूँ। ओटीपी डालने के बाद में हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कंफर्म टू वैलिडेट ओटीपी, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते हैं हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, मोबाइल में ओटीपी सही डालेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसको हम क्लोज कर देंगे और मोबाइल नंबर के सामने ग्रीन टिक आ जाएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद ईमेल आईडी है, इसको भी हम नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे और ओटीपी डालेंगे यहाँ पर। जो ही ओटीपी डालेंगे तो हमारी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर ओटीपी को हम सबमिट करते हैं, कंफर्म करते हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आपको आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।